हेलो क्रिप्टो विद करण गाइस। तो आप सब जैसे कि जानते हैं क्रिप्टो मार्केट काफ़ी डाउन चल रही है कुछ टाइम से। मैं कहूँगा पिछले एक साल से ही क्रिप्टो मार्केट काफ़ी डाउन चल रही है। बिटकॉइन करंटली आप देख सकते हैं 16,853 डॉलर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एथेरियम 1,213 डॉलर, जो बिटकॉइन 65,000 डॉलर तक हम देख चुके हैं वो आज सिर्फ 16,853 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहूँगा ये साल काफ़ी बुरा था क्रिप्टो मार्केट के लिए। बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए कि क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गई। और आप देख सकते हैं बिटकॉइन का करंट हाल क्या हुआ है। जो हम सबके फेवरेट हैं डॉज कॉइन, शिबा इनू, उनको भी आप देख सकते हैं वो सिर्फ डाउन ही गए हैं काफ़ी इस साल के अंदर। हमें पूरा एक साल हो गया है बुल रन देखे हुए, तो सब यही जानना चाहते हैं कि बुल रन कब आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जैसा कि मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम लगेगा बुल रन आने में। कम से कम मैं कहूँगा 6 महीने लग जाएंगे इसको बुल रन को आने में। अभी तो विंटर सीज़न चल ही रहा है, तो इसमें तो ज़्यादा आपने देखा है कभी भी ज़्यादा अप नहीं जाती मार्केट बिकॉज ऑफ हॉलीडेज़। तो करंटली बस मैं आप सबको ये बोलूँगा कि आपके पास टाइम बहुत अच्छा होता है, जब भी मार्केट क्रैश होती है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। जब ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट बुक करके उसे निकाल सकते हैं, लेकिन उतना ही इन्वेस्ट करें जितना रिस्क आप बेयर कर सकते हैं। बाकी अपने रिसर्च ज़रूर करें किसी भी कॉइन के ऊपर पहले इन्वेस्ट करने से पहले, लेकिन मैं यही बोलूँगा अभी टाइम लगेगा बुल रन आने के अंदर। हो सकता है अगला साल भी ऐसा निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन ऐसे अप डाउन आते रहेंगे जिसके अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह इन्वेस्ट करें सोच के, तो आप एक अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आपको सिर्फ लॉस ही होगा, बस थोड़ा आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये साल काफ़ी बुरा था क्रिप्टो करेंसी के लिए, और हो सकता है अगला साल भी ऐसा जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी ना कभी एक साल के बाद चाहे, लेकिन बुल रन आपको ज़रूर देखने का मिलेगा। और जब भी ये बुल रन आएगा दोबारा, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट दोबारा नीचे नहीं आएगी, उसके बाद सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाएगी। क्योंकि इस साल लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे, सारे लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ तो गए लेकिन सब अवेयर नहीं थे, जिसकी वजह से सबको काफ़ी लॉस हुआ। अगर वो अवेयर होते तो ऐसे लॉस हमें देखने को नहीं मिलते। और कुछ इवेंट इतने बड़े हो गए कि जो प्रोफेशनल थे उनको भी इसके अंदर लॉस ज़रूर हुए हैं। तो मैं आप सबको बस यही सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ रिसर्च ज़रूर करें इन्वेस्ट करने से पहले, और प्रॉफिट ज़रूर बुक करें जब आपको लगे कि लॉस होने वाला है। तो अपने पैसे उस टाइम पे आप ज़रूर बाहर निकाल लें। आप अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आपको दिमाग से काम करना पड़ेगा, इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी अच्छा टाइम है इसके अंदर इन्वेस्ट करके। आप छोड़ सकते हैं साल, 2 साल 3 साल, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, काफ़ी अच्छा आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो बुल रन ज़रूर आएगा, पर अभी ही टाइम लगेगा बुल रन को आने में जहाँ तक मुझे लगता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद करण। थैंक यू गाइज़।